हाँ तो फ्रेंड चलिए हम लोग क्लास 12 का मॉडल सेट 2 को देखेंगे, बायोलॉजी का ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को। ग्रुप ए में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रो स्पोरोनिया विच न्यूरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज। ए में दिया गया है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, बी में है फिलामेंट, सी में है टेप टर्म और डी में है इंटाइन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेपटम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पर प्लांट डिड मेंडल सेलेक्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ए में दिया है 14 पेयर, टू में बी में दिया है 2 पेयर, सी में दिया है 1 पेयर और डी में दिया है 7 पेयर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 पेयर। थर्ड प्रश्न क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फ्लोइंग होस्ट। ए में है ह्यूमन, बी में है एनोफेलिस मॉस्क्यूटो, सी में है एनोफेलिस मॉस्क्यूटो, डी में है बोथ ए एंड बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ इज ओजेनेसिस इनिटेशन इनिटेटेड इन ए ह्यूमन फीमेल। ए में है एट पॉवर्टी, बी में है ड्यूरिंग मेनार्च और सी में है ड्यूरिंग मेनोफेज और डी में है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। फाइव में देखिए, इन यूकेरियोट्स द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट। ए में है एस फेज, बी में है जी फेज, सी में है जी टू फेज और डी में है जियो फेज, गो फेज है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस फेज। सिक्स नंबर का एक क्वेश्चन देखिए, द कॉमन कोल्ड इज काउज्ड बाय। ए में राइनो वायरसेस, बी में एस्ट्रेप्टोकोकस पेनमोनिया और सी में है सलमोनेला टाइफोमोरियम और डी में है प्लाज्मोडियम विवेक्स। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेवेंथ नंबर देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ए में है हो जाएगा ई कोली, बी में होगा हिंद टू, सी में है डीएनए, डी में है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद टू। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हेरिटेज इज। ए में है हो इंडिविजुअल, बी में है पॉपुलेशन, सी में है कम्युनिटी और डी में होगा इकोसिस्टम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, डीडीटी रेसिड्यूज आर रिपीडली पास्ड थ्रू द फूड चैन काउज बायोमैग्निफिकेशन बिकाउज डीडीटी इज। ए में है वाटर सोल्यूबल, बी में है लिपिड सोल्यूबल, सी में है मॉडरेटली टॉक्सिक और डी में है नॉन टॉक्सिक टू एक्वाइज एनिमल्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिपिड सोल्यूबल। टेंथ नंबर का क्वेश्चन देखिए, सी यू आयंस रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलैक्सिंग एक्स्ट्रा यूराइन डिवाइस IUDCS इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म हो गया IUDS का फुल फॉर्म हो गया आयंस रिलीज्ड इंट्रा यूराइन डिवाइस है ना, इंट्रा यूराइन डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है, हो जाएगा। ए में है मैक्स यूट्रस अनसोल्यूबल फॉर इम्प्लेंटेशन, बी में है इंक्रीज फेगोटोक्सिस ऑफ स्पर्म, सी में है सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, डी में है प्रिवेंट ओवुलेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों इसका हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में एक ही मारना है, बी मार सकते हैं या फिर सी, बी मारते हैं चलिए इसमें।
इलेवेंथ नंबर में देखिए, द पार्ट ऑफ द जाइनोसियम दैट डिटरमिन्स द कंपेरेटिवल नेचर ऑफ पोलन इज, ए में स्टिग्मा, बी में स्टाइल, सी में ओवरी, डी में साइनर्जिज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टिग्मा। ट्वेल्थ में देखिए, सेट वन में भी पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल गिव टॉल एंड ड्राफ्ट प्लांट इज सेम प्रोपोर्शन, ए में है कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी टी, बी में है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी टी, सी में है कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, डी में है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल टी, डबल कैपिटल टी हो फिर क्रॉस स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका सी नंबर हो जाएगा। थर्टीन नंबर में देखिए, इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंकेड टुगेदर बाय, ए में हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बी में है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और सी में है पेप्टाइड बॉन्ड, और डी में है एच बॉन्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 14 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउज ऑफ ट्रांसिशन ऑफ एच आई वी, ए में है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, बी में है शेयरिंग इन्फेक्शन नीडल्स, सी में है मॉस्किटो बाइट, डी में है ट्रांसफर्मेशन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉस्किटो बाइट। उसके बाद देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन, केमिकल आरएनए इज, फर्स्ट में दिया है रिएक्टिव एंड सेकंड में दिया है स्टेबल देन डीएनए, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए में दिया है देखिए इक्वली और इक्वली, बी में है लेस मोर, सी में दिया है देखिए मोर लेस, और डी में है मोर मोर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर लेस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 में देखिए, द एडिक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको इज, कैफीन, बी में है निकोटीन, सी में है कैटेकोल कैथेकोल, और डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। 17 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ए में है साउथर्न ब्लोटिंग, बी में है नॉर्थर्न ब्लोटिंग, सी में है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, डी में नॉन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। 18 में देखिए, ऑर्गेनिज्म शो मैग्नीफिकेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ विच फैक्टर, ए में है टेम्परेचर, बी में है फूड अनअवेलेबिलिटी, सी में है प्रिसिपिटेशन, और डी में है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 19 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू कंट्रोल व्हीकल्स एयर पोल्यूशन इन इंडिया सिटीज, ए में है यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल, बी में है यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन द व्हीकल्स, और सी में है यूज ऑफ सीएनजी एज फ्यूल, डी में ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 20 में देखिए, एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ, फीमेल हेट्रोगेमिट, बी में है मेल होमोगेमी, सी में है मेल हेट्रोगेमी, डी में है बोथ ए बोथ बी और सी बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेल हेट्रोगेमी। एक्स वाई किस में होता है, मेल में होता है। अब ग्रुप बी में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, 20 देखिए, आप फिल इन द ब्लैंक्स में यहीं से आपको चुन के भरना है, दिया गया है देखिए, यहाँ बॉक्स में दिया गया है, इस बॉक्स वाला पार्ट से ही आपको
चूज करके यहाँ से भरना है ना। तो देखिए 21 में है, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी जॉइंट टुगेदर यूजिंग, इसमें हो जाएगा डीएनए लिगेज, ये वाला हो जाएगा आपको भरा जाएगा है ना, डीएनए लिगेज भरा जाएगा 21 में। 22 में देखिए, इलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन इंटरेक्शन, इसका हो जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, ये वाला इसमें भरा जाएगा। देखिए एंटीजन एंटीबॉडी है ना, यहाँ से भरा जाएगा है ना। और 23 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स सेल ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स होता है उसमें क्या होता है, जनरेटिव, जनरेटिव देखिए ऑप्शन में होना चाहिए, जनरेटिव देखिए यहाँ है ना, जनरेटिव ऊपर वाला उसको भर देना है। 24 में देखिए, रिमोटेड अर्थिथ इन इज एन फिल इन द ब्लैंक्स डाइजेज, तो इसका हो जाएगा ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो देखिए ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी इसमें हो जाएगा। उसके बाद 25 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बर्न्स मोर इफिशियंटली एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल की तुलना में खाली स्थान ज़्यादा अच्छे जलता है, कौन ज़्यादा अच्छा, सीएनजी है ना, तो इसमें सीएनजी भरा जाएगा। 26 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इज द साइट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोमोटर, प्रोमोटर हो जाएगा, देखिए प्रोमोटर यहाँ है प्रोमोटर। उसके बाद देखिए 27 में जो लास्ट में बच गया उसी को भर देना है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लास्टोसाइट साइट इट इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज क्या लास्ट में बच गया, देखिए ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट इसको भर देना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।